ये 22 तारीख को शाम को हमें सूचना मिली थी कि बमनलाल जी चौधरी साहब है जो थाना मुखरक हैं, इनके खेत के अंदर कोई ऐसा जानवर है जो उनके कुत्तों को उठा रहा है, उनके कुत्ता था उनको उठाया। तो हम यहाँ की हमारी टीम गई और वहाँ टीम करके हमने पूरे चारों तरफ उसको सर्च ऑपरेशन करके हमारी टीम गई। टीम के अंदर हमारे पागी हैं, वो वाइल्ड लाइफ के पागी हैं और उसका बहुत बड़ा अनुभव है इसमें। इसके ऊपर 22 तारीख को हमने पगमार्क ही देख पाए, 23 तारीख को शाम को हमने और सर्च किया, फिर हमें सफलता कुछ मिली 24 तारीख को शाम को उसके प्रॉपर एविडेंस के और उसकी एक जो किल था किल तक हम पहुंच पाए। तो उसके किल को हमने प्रोक्योर किया और अपने पिंजरे के अंदर रखा और हमारा एक ट्रैप कैज है। तो ट्रैप कैज हमारी कोशिश रहती है कि बिना किसान को नुकसान पहुँचा ही हम पूरी कार्रवाई कर लें। और हमें क्या, फसल बहुत बड़ी थी, सौंफ की फसल थी, काफ़ी महंगी कीमती फसल होती है, तो उसके अंदर यदि गाड़ी डाल के हम लोग को सर्च ऑपरेशन करते तो किसान का नुकसान होता, ये हम नहीं चाह रहे थे। तो हमने थोड़ा वेट किया, 24 घंटे इंतजार किया और उसके लिए हमें जो भी प्रोटोकॉल होता है, जो निर्देश होता है विभाग के, उसको सारे फॉलो करते हुए हमने उसका पिंजरे के अंदर ट्रैप करने के लिए उसको बाध्य कर दिया। क्योंकि उसको किल करते हम लोग किल उसका उठा लेते थे, किल उठाने के लिए हम लोग को थोड़ी रिस्क रहती क्योंकि उसके सामने से हमको उसको किल लाना पड़ता था। फिर भी हमने वो सारी चीज़, हम दो लोग जाते थे डिपार्टमेंट के और वो जो सेफ्टी पूर्वक हमने उसको किल को वहाँ से उठा के सेफ बड़ी सुरक्षा रूप पे इसके पिंजरे के अंदर डाल दिया।